दोस्तों, दुनिया के सामने शहबाज शरीफ ने एक बार फिर उड़ा लिए खुद का मजाक। घनघोर बारिश में महिला अधिकारी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने छीन लिए छाता। अब वीडियो हो रहा है जमकर वायरल, जिसके कारण यूजर्स कर रहे हैं उनकी खूब आलोचना। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ आर्थिक रूप से कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में भीख की तरह मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है। और तैयार हो भी क्यों, पहले से ही पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, उधारी अभी तक नहीं चुका पाया। जैसे के तैसे हालात हैं और बद से और बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरे तरफ शहबाज शरीफ अपने ही एक गलती के कारण सोशल मीडिया पर छा गए हैं और उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल बता दूं दोस्तों कि 22 जून गुरुवार के दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पेरिस में आयोजित न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग फैक्ट शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मिलकर मुद्रा कोष की गुहार भी लगाने वाले थे। उस दौरान जब वहां पहुंचते हैं, उस वक्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके कारण अब शहबाज शरीफ के ऊपर सवालों का बौछार हो गया है। दरअसल वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोटोकॉल के तहत एक महिला अधिकारी पाकिस्तान के पीएम शहबाज को कार तक रिसीव करने जाती है। ऐसे में बहुत तेज बारिश हो रही थी और महिला अधिकारी छाता लिए हुए साफ नजर आई, और वीडियो के माध्यम से यह भी देखा जा सकता है कि महिला अधिकारी शहबाज को रिसीव करके साथ में ले जा रही थी। तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार करते हुए छाता छीन लेते हैं और आगे निकल जाते हैं, जिसके बाद महिला ऑफिसर को भीगते हुए अंदर आना पड़ा और यही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद यूजर शहबाज शरीफ को बहुत अभद्र तरीके से भला बुरा बोल रहे हैं, और कुछ यूजर्स का तो ऐसा भी मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा कंगाली के कारण ऐसा हुआ है, शायद शहबाज शरीफ तंगी के कारण पहली बार छाता देखे हो। हालांकि शहबाज अभी भी झूठी आश्वासना दिला रहे हैं कि देश के आर्थिक हालात जल्द पटरी पर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, शहबाज शरीफ का महिला अधिकारी के प्रति ये सलूक कैसा था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।